झट से बहुत कुछ सीखना है, TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लोगों को इसी शार्क टैंक सीजन के दौरान मोटिवेशन फील होती है। एंटरप्रेन्योरशिप एज अ सर्च टर्म इंक्रीजेस ऑन द इंटरनेट, पर द मोमेंट शार्क टैंक इज डन वो हाइप चली जाती है। फिर लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कम सीखने लगते हैं और बिजनेस में उनका इंटरेस्ट, बिजनेस से उनका इंटरेस्ट चला जाता है। माई क्वेश्चन टू यू इज मॉडर्न स्टोरीज, दोनों रितेश अग्रवाल और विजय शेखर शर्मा आपके दोस्त हैं। लेट्स स्टार्ट विथ विजय शेखर शर्मा। उनकी रियलिटी के बारे में कुछ बताइए, उनके बारे में आपने सीखा क्या और आज की उनकी रियलिटी एज द पेटीएम फाउंडर क्या है। एक पिक्चर पेंट कर दीजिए स्टूडेंट्स के लिए। आप ये सोचिए, अलीगढ़ का एक लड़का जो बहुत पतला, हिंदी मीडियम में पढ़ता हुआ, वो उसका एक सपना था कि मैं बिजनेस करूँगा, टेक्नोलॉजी का बिजनेस करूँगा। और उसने और उसके फादर एक टीचर, और इंग्लिश का तो कोई सवाल ही नहीं, और पैसे तो थे ही नहीं। उस इंसान ने अगर पेटीएम बना दिया तो आप सोचिए ह्यूमन कन्विक्शन की क्या ब्यूटीफुल कहानी है ये। जब वो कर सकते हैं तो, और उस टाइम पे तो किसी के पास इंटरनेट भी नहीं था। तो आज जो कोल्हापुर में लड़का कोई बैठा हुआ है या कोई गुवाहाटी में लड़की बैठी हुई है, वो क्यों नहीं कर सकती। मैं इसीलिए लोगों को कहता हूं कि टॉक टू पीपल हु आर वे अबव यू, लर्न देयर एक्सरसाइजेस, लर्न देयर थिंकिंग प्रोसेस। आप सोचिए पेटीएम आज एक वर्ब बन गया हमारे देश के अंदर, पेटीएम करो। कितना बड़ा डिजिटल रेवोल्यूशन है, कितने सिक्के हम लोग वेस्ट करते थे, अब क्या है ना, सीधा डिजिटल की वजह से कितना फर्क पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर आप रितेश की बात कीजिए, उड़ीसा के छोटे से गाँव से वो आता है उसकी, और वो जो कहानियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ शेयर 3 चीज़ों पे बनी है। सबसे पहला, एक ऐसा ड्रीम जो कि है ना टेम्पररी मोटिवेशन से नहीं जुड़ा हुआ। टेम्पररी मोटिवेशन क्या है, आपने शार्क टैंक देखा, आप मोटिवेट हुए और उसके बाद आपको लगता है कि यार छोड़िए इसको। जितने वो लोग हैं ना, अपने मोटिवेशन को सस्टेन्ड रखिए। सस्टेन्ड मोटिवेशन इज हार्ड, मोटिवेशन इज ईजी, मोटिवेशन इज लाइक जस्ट, मतलब यू कैन जस्ट गेट मोटिवेटेड विद इन अ सेकेंड and it goes like this and it goes down। आपको sustained motivation के लिए discipline लेके आना पड़ेगा। 21 दिन आप छोटी exercise चालू कीजिए। अगर आपको लगता है entrepreneurship आपको मुश्किल लग रही है, आप कुछ मत कीजिए। आप example बता रहा हूँ, आप रणवीर शो को हर दिन आप एक discipline बना लीजिए कि मैंने 15 मिनट देखना ही देखना है। you will start increasing your sustained motivation। अगले दिन आप ये सोचिए कि यार ये हो गया मेरा खत्म, अब मैं Y कॉम्बिनेटर का ब्लॉग हर दिन पढ़ना ही पढ़ना। लोगों को लगता है कि मैं अभी चालू करूं और अभी मेरे पास पैसा आ जाए। दैट डजंट हैपन ओवरनाइट सक्सेसेस। 197 वाज फॉर्म्ड इन 1999, मतलब ये अभी हमें लगता है ओवरनाइट सक्सेस है, और अभी भी सक्सेस नहीं है विजय सर के हिसाब से। वो कहते हैं कि यार मेरे को तो वो पूरे देश को एक डिजिटल रेवोल्यूशन में लेके आना है। सो माई सबमिशन इज, डोंट प्ले द शॉर्ट टर्म गेम, हैव सस्टेन्ड मोटिवेशन। आप ना कॉन्टिन्यूसली अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, और उसका एक ही तरीका है, आप अपने आप को सराउंड कीजिए पॉजिटिव न्यूज़ से, पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव दोस्तों से, पॉजिटिव। मेरा एक लाइफ का मकसद होता है कि मैं जिससे भी बात करूँ वो मुझसे ऊपर होना चाहिए, कि मुझे ये नहीं कि मुझे उनसे कुछ चाहिए, बट उनके साथ रह के ना मेरी थॉट प्रोसेस चेंज होती है। और सब कुछ आपका थॉट है। एक नेगेटिव थॉट आपको खराब इंसान बना सकता है, एक पॉजिटिव थॉट आपकी जिंदगी बदल सकता है। सर, विजय शेखर शर्मा सर की रियलिटी आज क्या है, इतना बड़ा बिजनेस ग्रो करने के बाद आज उनकी मेंटालिटी क्या है, क्या सोच रहे हैं वो। मुझे जब भी मैं सर से मिलता हूँ, मुझे लगता है कि उनका एक ही सपना है, एंड दैट इज़ कि हमारे देश को, आप ये देखिए जो भी बड़े लोग बने हैं ना, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पास पैसे हैं। उन्होंने ये सोचा कि मैं एक लार्ज इम्पैक्ट क्रिएट करता हूँ, और मनी इज़ अ बाई प्रोडक्ट। जब मैंने कोवर्किंग चालू किया, मेरा कभी सपना भी नहीं था कि मेरे को इससे ना पैसा कभी मिलेगा। जेन्युइनली स्पीकिंग, मेरा सिर्फ एक सपना था, और वो ये था, हम स्टारबक्स जाते हैं, आधा घंटा वहाँ पे कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद वहाँ पे बरिस्टा हमें देखने लग जाता है और कहता है कि यार आप कब निकलोगे, मेरी अगली टेबल लगनी है। मेरा सपना ये था क्या मैं हर हिंदुस्तानी के लिए एक स्टारबक्स जैसा ऑफिस खोल सकता हूँ, जहाँ पे उसको 24 घंटे अपना, आप सोचिए आप स्टारबक्स में काम कर रहे हैं, अच्छी कॉफ़ी आ रही है, अच्छे लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। वो सपना था। और उसके बाद अगर आप अच्छा काम करेंगे ना, पूरी दुनिया के अंदर एक सच्चाई ये है, अच्छे फाउंडर्स और ऑपरेटर्स कम हैं, पैसे वाले लोग ज़्यादा हैं, हर इंसान इन्वेस्टर है। तो आप ना पैसे की चिंता मत कीजिए, यू फोकस ऑन द प्रोडक्ट। आप ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जहां पर कस्टमर आपके पीछे पड़ जाए, वो कहे ग्रेट कंपनीज आर बिल्ट ऑन ग्रेट प्रोडक्ट्स. Elon Musk is not wealthy because he's the founder, he's the chairman of Tesla right now. He's wealthy because Tesla is a phenomenal car. मतलब आप ये सोचिए, if I want to buy a car today, I would rather go for a Tesla over these luxury cars. And that is Tesla. Tesla is a safe car, an electric car, and उसका range is phenomenal. And why would I not want to buy a Tesla, which is I think 1/5 of the cost of a luxury sedan? तो वो value है. आप value create कीजिए. A lot of founders, बहुत सारे founders मेरे पास आते हैं, कहते हैं यार हमारा goal, मैंने कहा आप क्या बनाना चाहते हो? कहते हैं हम एक ऐसा धंधा बनाना चाहते हैं जिसमें जैसे आपने 3-4 साल के अंदर कंपनी बेच दी पैसे से, हम भी यही करना चाहते हैं. मैंने कहा वो गलत बात है, वो गलत गोल है. आपका गोल होना चाहिए कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जिसमें कस्टमर मेरा दीवाना हो जाए, वो बार बार आए. स्टारबक्स के हम दीवाने हैं, रिपीट कस्टमर हो, वो वैल्यू क्रिएट करे. और उसके बाद इन्वेस्टर, अक्वायरर, पोटेंशियल पार्टनरशिप्स, आईपीओ इज अ बाय प्रोडक्ट. दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ये वाली प्लेलिस्ट में. सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट देखिए, सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए. हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी ऑन द रणवीर शो.